बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। यू आर वाचिंग रूबरू विद आरिफ शेख और एनजे डिजिटल टेलीविजन। हर हफ्ते आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ एक नए मेहमान के साथ और अमूमन बात करते हैं करंट अफेयर्स पर। मेरे आज के जो मेहमान है उनका तारुफ कराना शायद मेरे बस में ना हो, क्योंकि पिछले 17-18 साल से यहाँ पर आप कैनेडियन मुकामी पॉलिटिक्स के अंदर बेइंतहा एक्टिव हैं। आप मुख्तलिफ पार्टीज में नजर आएंगे, पॉलिटिशियंस के साथ काम करते हुए नजर आएंगे और ग्रास रूट लेवल से काम करके आपने अपना मुकाम बनाया और अब जहाँ जहाँ कैनेडियंस ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन कैनेडियन पॉलिटिक्स में काम करते नजर आते हैं वहाँ पे आपको इनका नाम नजर आएगा। इनसे कई हवालों से बात करना चाहते हैं। आने वाले इलेक्शन 7 जून 2018 को ओंटेरियो के सूबे में इलेक्शन होने जा रहे हैं और हर आने वाले दिन में आप देखेंगे कि उनका चर्चा बड़ा होता जाएगा, उस पर बहुत सारी बातचीत हो रही होगी। दूसरी जानब हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी जो कैनेडियन और पाकिस्तानी ओरिजिन है उन्होंने नॉमिनेशन विन की है। पहली दफ़ा ऐसा इलेक्शन होगा जिसमें नज़र ही आ रहा है तकरीबन मिनिमम 5 से 7 लोग मिनिमम जो है वो इस दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे होंगे और बड़ी खुशी की बात है कि उनका ताल्लुक जो है वो अपने वतन असीज से। और फिर मेरे मेहमान जो हैं ये खुद भी नॉमिनेशन के कैंडिडेट हैं, उनसे इस हवाले से भी बात करते हैं। तो 3 टॉपिक को लेकर चलेंगे, कुछ अंदर की बातें मालूम करने की भी कोशिश करेंगे। एंड लेट मी वेलकम माई गेस्ट शफकत अली। शफकत भाई अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वालेकुम सलाम शेख साहब, बहुत शुक्रिया सर जी, आपको बड़े शॉर्ट नोटिस से बुलाया हमने सर जी। एनी टाइम, आप का हमारा सिलसिला बड़ा पुराना है, रेडियो पे भी ऐसे बुलाया करते थे गाड़ी साइड पे लगा के इलेक्शन की आमद आमद है। आप तकरीबन 17-18 साल हो गए आपको पॉलिटिक्स के साथ लगे हुए? हाँ जी, तकरीबन इतना। 2000 से ट्रस्टी का इलेक्शन लड़ा था, वो कब था? 2006 में जी, वार्ड 6 और 11 मिसिसागा में 2 वार्ड ऐड हुए थे, 9 वार्ड हुआ करते थे उस वक्त। अच्छा। 2006 से पहले। अच्छा। तो 2, चूंकि पॉपुलेशन बढ़ी तो 2 वार्ड ऐड हुए, वार्ड 6, 9 और 10 और 11। तो जो वार्ड 6 और 11 था ये कंबाइन था। अच्छा। तो यहाँ से मैंने स्कूल बोर्ड रसी किया और हम उसके साथ। हाँ जी हाँ जी, वो हमारे वो इब्तदाई इश्क थी वो। एग्जैक्टली। इलेक्शन की आमद आमद है। पहले मैं जैसा कि मैंने कहा कि शफकत अली जो है वो कैंडिडेट हैं नॉमिनेशन के फ्रॉम मिसिसागा सेंटर फॉर लिबरल पार्टी। मैं शफकत भाई के हवाले से प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करूंगा और इनकी नॉमिनेशन के बारे में, इनकी और चीज़ों के बारे में बड़ी अहम बातें जो मैं आपको बताऊंगा। पहले हिस्से में मैं चलता हूँ इनकी पार्टी की जानिब। सर जी, लिबरल पार्टी पिछले 4 इलेक्शन से आप जीते चले आ रहे हैं, डॉल्टन मैकगिन्टी की हुकूमत, फिर कैथलीन वेन आ गई, लेकिन जो इस वक्त पोल आ रहे हैं उनके रिजल्ट जो हैं वो तो फेवर में नहीं आ रहे हैं। सर ये पोल अगर आप पिछले 4 इलेक्शन आप देख लें तो यही सिचुएशन रही है पोल्स की। लास्ट मंथ पोल्स का जो है ना एक्चुअल जब रिप ड्रॉप होती है, डिबेट होती है, इश्यूज सामने आते हैं, दूसरे कैंडिडेट्स होते हैं तो लोग एनालाइज करना शुरू करते हैं, दे स्टार्टेड मेकिंग अप देयर माइंड। तो आखिरी महीने का जो पोल है ना, दैट पोल मैटर्स। और अभी आपने देखा कि चूंकि पीसी पार्टी का उनका अपना एक सिलसिला था, लीडरशिप के मसाइल से गुजर रहे थे और गुजर रहे हैं आई थिंक, तो नई लीडरशिप आई है तो उसके साथ थोड़ा सा एक हनीमून पीरियड होता है। तो उसके बाद अब बजट आया तो लोगों को रियलाइज होना शुरू हुआ कि यार दिस इज रियलिटी। आम आदमी को जो रिलीफ मिल रहा है या जो पॉलिसीज आ रही हैं तो आम आदमी के लिए तो वो जब वो कंपेयर करते हैं तो देन दे रीथिंक के मतलब हु इज बेटर फॉर देम। ऐसा नहीं होता कि जब आपके पास एक चीज बहुत ज्यादा, मतलब आप 12-15 साल से आप एक पार्टी हुकूमत कर रही है तो शायद वो रिलैक्स हो जाती हो, दे माइट नॉट बी कमिंग मोर, दे मे नॉट बी एनी लॉन्गर मोटिवेशन वो वाली ना हो या वो बहुत ज्यादा चीजों को ना लाती हो, ऐसी तो कोई सूरत नहीं आ जाती? मेरा ख्याल ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये जो जितनी भी पॉलिसीज अनाउंसमेंट हो रही हैं या जितना काम किया है पिछले अगर आप जब से लिबरल गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया है माइक हैरिस के टाइम से अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये अप्स एंड डाउन हुआ है। क्योंकि पिछला जो माइक हैरिस का टाइम था उसमें क्या था कि आपकी सर्विसेज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू नन,
इतनी सर्विसेज उन्होंने कार्ड दी थी, आपका वेटिंग पीरियड हॉस्पिटल में, नर्सिंग स्टाफ कार्ड दिया उन्होंने, आपकी जो सोशल सर्विसेज हैं वो सारी कार्ड, तो वो बहुत सारा जो है ना उन्होंने मैसअप किया था स्कूलों में, स्कूलों के साइज क्लासेस के बहुत बढ़ गए थे, स्कूलों में ऑलवेज स्ट्राइक ही रहती थी, तो वो चीज़ें मैनेज करते 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 आप देखें कि इस वक्त आके हमने बुक बैलेंस की हैं विदाउट कटिंग एनी सर्विसेज, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है। अगर आप रिलैक्स हो जाते हैं तो फिर ये चीज़ें नहीं करते आप। अब आप देखें कि नोबडी, अगर आप लिबरल गवर्नमेंट से पहले चले जाएं, जो आम आदमी को रिलीफ है वो नहीं मिला, ऑलवेज कॉरपोरेट सेक्टर को रिलीफ मिला है, उनके बेनिफिट की बात हुई है। तो ये वाहिद गवर्नमेंट है, लिबरल गवर्नमेंट ऑलवेज, चूंकि आम आदमी वोटर है, उसके रिलीफ की बात यही पार्टी है जो स्टैंड करती है और उस पर प्रैक्टिकली काम भी करती है। अगर हम आपसे कहें कि चले आप, अब आप लिबरल हैं, पैदाइशी लिबरल हो गया आप, तो कैनेडा आए तो लिबरल हो गया जी, और आपने, मैंने आपको हर लेवल पे काम करते देखा, उमर अलगबरा के साथ आपने काम किया, आप कैरलिन पैरिश के साथ आपको काम करते देखे, बोनी क्रॉम्बी के साथ आपने काम किया, इकरा खालिद के साथ काम किया, नवदीप बैंस के साथ, ये तो बड़े बड़े नाम है जो मुझे याद है जब मैं आपको शेडो कर सका, जब जहाँ जहाँ आपने मौका दिया अपने साथ लेके चलने का। कोई अगर आप प्रोविंशियल लिबरल गवर्नमेंट के कोई एक दो तीन कोई ऐसे इनिशिएटिव बताएं जिसपे आपको फख्र है यार हमने ये काम किया है। देखें जी, मैं सबसे पहले जो 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 मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि देखें जो आप जो फ्री ट्यूशन कर दी है एजुकेशन में, क्योंकि एजुकेशन इज़ अ की, जो बच्चे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते थे इस वजह से कि वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, या पेरेंट्स की हेल्प करने के लिए वो मतलब उनको काम करना पड़ता, अब वो चीज़ जो है ना वो एलिमिनेट कर दी है वो हर्डल, और ये बहुत बड़ा, इतना बड़ा ये फैक्टर है। आप देखेंगे कि जो बच्चे हाई स्कूल के बाद आगे नहीं जा पाते थे उनके लिए रास्ते खुल गए हैं, ठीक है। तो ये इतनी बड़ी बात है कि देखें कभी नहीं हुआ, इट्स एन अमेजिंग स्टेप एंड इट्स प्रैक्टिकली, और उसमें मेरी बच्चों से बात होती है, जो यूनिवर्सिटी के बच्चों से बात, मैं गया एक जगह मेंबरशिप करने गया इस फैमिली में, तो I came across a student, ये थर्ड ईयर का स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में। अच्छा। तो मैंने उससे पूछा, बेटा व्हाट डू यू थिंक, वो कहता है अंकल जो पिछले दो साल मेरे थे तो एवरी ईयर 5,000 का डेट ऐड हो रहा था, लोन ऐड हो रहा था मुझे, अभी क्या होगा कि जस्ट अगले जो दो साल है वो 2,000 सिर्फ ऐड होगा मेरा। तो एक बच्चा अगर यूनिवर्सिटी से निकल रहा है 20-22,000 लोन के साथ, वो आपका एलिमिनेट हो गया, तो ये बहुत बड़ा रिलीफ है उसके लिए, दे आर वेरी हैप्पी। तो वो, और फिर ना सिर्फ ये किया है, अप टू 24 प्रिस्क्रिप्शन ड्रग फ्री कर दिए, 4100 है मेडिसिन, देखे ना कि उसमें ये इतना, और ये किसको फायदा हो रहा है, आम आदमी को फायदा हो रहा है। तो ये दीज आर द थिंग, और फिर आप देखें कि आप मुझे बताएं $11 के साथ आप $11 की जॉब कर रहे हैं, मैक्सिम जो मिनिमम वेज है, आप अपना घर चला सकते हैं? नॉट पॉसिबल, डेफिनेटली। तो वो ये बोल्ड स्टेप हैं जो इस लीडरशिप ने लिए हैं जिसमें आम आदमी को फायदा हो रहा है। अच्छा, ये चले $14 वाली बात पे आ जाते हैं जो आपने किया, और अब वो January 1, 2019 से $15 पर आवर हो जाएगा मिनिमम वेज। उसमें ये भी कहा जा रहा है कि शायद उससे अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी है। कोई स्टैट मुझे बताएं, लोग असम्पशन पे बात करते हैं, स्टैट तो मुझे नहीं बता रहे। एक दो इश्यू जरूर आए कुछ, देखिए उसमें जो जो एम्प्लॉयर है ऑब्वियसली दे विल नॉट बी हैप्पी, लेकिन उसमें जो है ना जो रिलीफ है, अब देखें रियलिटी को देखना चाहिए कि जो लोग जो मिनिमम वेज पे काम करने वाले हैं वो भी इसी सोसाइटी के हिस्सा है, तो उसमें उनको आपने बेसिकली रिलीफ देना चाहिए और मिला है। आप लैंडस्लाइड विक्ट्री देख रहे हैं जैसे पिछले चारों इलेक्शन में? देखें आम अल्हम्दुलिल्लाह आई एम कॉन्फिडेंट। अच्छा, आई एम कॉन्फिडेंट, लेकिन राय अम्मा के जो बहुत सारी चीजें भाई जायजे आ रहे हैं उनमें लैंडस्लाइडिंग की बात तो नहीं हो रही? देखें अभी टू अर्ली है मेरे हिसाब से। अच्छा, रेट ड्रॉप होगी उसके बाद जो है ना, अभी आपने देखा कि एक बजट के बाद जो है ना आपने ये पोल देखा है तो कितना डिफरेंस रह गया।
और फिर जब आप लोगों से बात करते हैं, लोग जब कंपेयर करते हैं लीडरशिप को, फिर वो देखते हैं कि एक बंदा डिलीवर कर रहा है, दूसरा सिर्फ बातें कर रहा है, और फिर ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, ये दैट मेक्स अ डिफरेंस। तो आप समझते हैं कि इवन दो के तमाम जो पोल्स वगैरह आ रहे हैं या जो भी एक कैंपेन आपको मीडिया में नजर आ रही है, उसके बावजूद एज ए लिबरल यू आर वेरी कॉन्फिडेंट? आई एम श्योर के लिबरल गवर्नमेंट मैं देख रहा हूँ आपको नजर आ रही है। ये हम नहीं कह सकते इस वक्त के उसका रेशो क्या होगा, वो इट्स टू अर्ली टू से ना, टू अर्ली टू टॉक, लेकिन आपको नजर लेकिन मैं ये देख रहा हूँ सुबह रेडी है प्रोविंस जो है वो लिबरल ही रहेगा, प्रोविंस का कलर रेड ही रहेगा। राय अम्मा का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो ये कह रहा है और वो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा कि तकरीबन 44% उन्होंने रेटिंग दी फॉर कंजर्वेटिव एंड 28% के करीब जो है वो लिबरल, लेकिन बजट के बाद उसमें चेंज आई है, वो जो गैप है वो नैरो हुआ है, क्या होगा आगे जाके ये देखा जाएगा। अगेन पोल्स के बारे में कहा नहीं जा सकता कि वो ठीक है या नहीं है, क्योंकि हमने बहुत सारे पोल देखे थे, साउथ ऑफ द बॉर्डर कहा गया कि हिलरी क्लिंटन जो है शी इज द विनर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, विनर कोई और आया। स्टे ट्यून विद अस, वापस आएंगे तो कुछ और मुद्दों पे बात करेंगे। Are you looking for someone who can turn your dreams into reality? Whether it's real estate buying, selling or investment, Vasiuddin is the first choice of clients because no client or project is big or small for him. With years of experience, Vasi also offering exclusive deals on pre-construction projects and helping hundreds of clients to make their dream come true. So call Vasi at 416-566-3642 or log on to homesbyvasi.com. रंग वाली भरम वाली न्यूज वाले व्यूज वाले मेल वाले कराची वाले खैबर वाले लाहौर वाले पिंडी वाले इन शॉर्ट पूरे पाकिस्तान वाले This is the world of internet. You have everything on your computer and mobile screen. If you wish to promote your business through internet, especially to perfect target market, then you have just one reliable name, NJ Marketing. Offering various marketing solutions like social media marketing, telemarketing, email marketing, search engine optimization, graphic designing, web designing and development, and mobile application development. So call now at 647-824-1485 or email at njmarketing15@gmail.com or log on to njmarketing.ca. $60, ma'am. जब इश्क हद से बढ़ जाए तो तमाम ख्वाहिशें मिलकर सिर्फ एक ख्वाहिश बन जाती हैं। और बेचैन दिल हर पल हर लम्हा रोता है, दीदार को तरसता है। हेलो जी, सलाम अलैकुम जी, मैम आपके उम्र के कागजात वगैरह तैयार हैं, प्लीज पेमेंट करके ले जाएं। ओके थैंक यू। और यही मोमिन का दिल अगर किसी की आंख में आंसू देखे
तो सब कुछ भुलाकर सिर्फ अता करता है। उम्र के बुलावे के लिए कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, नेक नियत और रहम दिल ही काफी है, बाकी हम पर छोड़ दें। अलबरका ट्रेवल, नहायत मुनासिब उम्र पैकेजेस के साथ। 905-232-6566. An exclusive multi-designer studio specialized in wedding planning services, bridal wear, casual party wear, jewelry, shoes, purses, dupattas, men's and kids' clothes. You name it, we have it. Some of the Pakistani designer labels we carry are Zanik, Aghanoor, Sana Safinaz, Anas Abrar, Zainab Chutani, Wahaj Khan, Fatma Khan, and many more. Parahan, sheer elegance. We believe in quality service and best price. You can contact 9075 Derry Road West, Unit Number 1, Milton, Ontario. Welcome back. Shafkat Ali sahab se baat ho rahi hai janab, aur अपकमिंग प्रोविंशियल इलेक्शन 7 जून को होंगे। और जब इलेक्शन की बात हो रही है तो आपको बता दूं कि एनजे डिजिटल टेलीविजन इस इलेक्शन की कवरेज का एक नया अंदाज लेकर आपके सामने आएगा। कुछ चीजें सरप्राइज है, कुछ के बारे में आप हमारे प्रोमो जो है वो देखना शुरू करेंगे मई के महीने से, और 7 जून तक आपको अंदाजा होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। और 7 जून को हम एक बहुत बड़ी मैराथन जो है ट्रांसमिशन के साथ आपके लिए हाजिर होंगे और कोशिश करेंगे कि एक नए अंदाज में इन इलेक्शन को कवर किया जाए। सर जी, बहुत बड़ी तादाद में कैनेडियंस ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन एज ए कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नॉट एज ए वोटर। वोटर हम पार्टिसिपेट करते चले आए हैं, वॉलंटियर हम बनते चले आए हैं, नारे लगाते रहे, साइन लगाते रहे, सब करते रहे, एज ए कैंडिडेट ये चेंज क्यों आई? सर जी, बात यह है कि ये अगर आप वॉलंटियर ना करते, अगर आप नारे ना लगाते, अगर आप सिस्टम का हिस्सा ना बनते, आपकी ट्रेनिंग नहीं होनी थी और आज आप कैंडिडेट नहीं होने थे। Why am I a candidate now? Because that's how I started. I'm blessed ke maine jo finest politicians hain Mr. Saga ke, I have an honor working with them. Aur still I'm working with those politicians, aur bade successful aur bade bright politicians hain. Agar main unke saath is process ka hissa na banta to aaj main candidate na banta. तो आई थिंक ये स्टार्ट बिगेनिंग उसी से हुई है, लोग इन्वॉल्व हुए हैं और कम्युनिटी वाइब्रेंट हुई है, लोगों को एहसास हुआ है कि नहीं, हमें इस ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू बी पार्ट ऑफ द सिस्टम, और उसी से ही आपके जो कैंडिडेट्स उसी से निकलेंगे और उसी से निकल रहे हैं। अच्छा, आप मुतमिन है कि जो जितनी बड़ी देखा जाए तो हमारे अगर चले आपको बता भी दें कि इस वक्त जो कन्फर्म लोग जिनके पास नॉमिनेशन जो जीत चुके हैं उनमें स्कार्बो सेंटर से मदर शफीक साहब, उसके बाद मिसिसागा एरन मिल से इमरान मियां, और पिकरिंग से इब्राहिम दानियाल। जो और लोग इस वक्त इलेक्शन की रेस में मौजूद हैं उसमें सफदर हुसैन है फ्रॉम ब्रैम्पटन साउथ, हमारे अपने शफकत अली साहब हैं मिसिसागा सेंटर से, ये वो लोग हैं जो उसमें। लेकिन कंजर्वेटिव साइड पर भी कई लोग जो हैं वो इलेक्शन की तैयारियों में मौजूद हैं। हमारा अगले हफ्ते का जो प्रोग्राम होगा उसमें हम कुछ कंजर्वेटिव लोगों को अपने पास लेकर आएंगे, उनसे भी बात करेंगे, और हम एक उनकी जो थोड़ी सी लीडरशिप है उनको भी ला रहे हैं यहाँ पर, उनसे भी बात कर रहे होंगे। सर जी, मुतमिन है कि इतनी बड़ी तादाद में जो लोग बाहर निकले। अच्छा, इसमें दो बातें भी हो रही हैं, एक तो आपका आप वाली बात है, आपने कहा कि हमने चूंकि वॉलंटियर किया या लोगों ने जो वॉलंटियर किया तो अब वो एक्टिव हो गए, लेकिन एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि लोग देखा देखी चल पे रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि देखा देखी चलने में कोई हर्ज नहीं है, आप जाएंगे तो लोगों को एजुकेट ही करेंगे ना, आप लोगों को बताएंगे कि हाँ भाई आप मेंबरशिप करें, आप उनको एक्सप्लेन करेंगे कि ये सिस्टम कैसे काम करता है, तो उनको इनक्रेज करेंगे, एजुकेट करेंगे, तो आप उसमें अपना आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, सो नथिंग रॉन्ग विद दैट। और इसी तरह रिफाइन होके आगे लीडरशिप निकलती है। और साथ में और मैं आपको दो और कैनेडियन ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन हैं, डॉक्टर शफीक कादरी, ही इज ऑलरेडी एमपीपी, हु इज अ कैंडिडेट, और यासिर नकवी साहब अटॉर्नी जनरल, ही इज फ्रॉम आटवा सेंटर, तो ऑफ कोर्स तो मतलब
ये लीडरशिप इसी तरह ही निकलती है। और मेरा ख्याल है कि अगर लोग नहीं इसमें आएंगे तो वो अपने हल्का अहबाब में इनक्रेज नहीं करें कर पाएंगे लोगों को, और लोगों की इन्वॉल्वमेंट कम हो जाएगी। आई थिंक दिस इज अ गुड साइन इन माई ओपिनियन। दो ऐसी नॉमिनेशन हुई शहर में, एक पहले मदर शफी की तरफ आ जाओ, 2300 के करीब वोट कास्ट होते हैं, 2300 वोट नॉमिनेशन में होना उस राइडिंग का तो रेकर्ड था ये। और जब दूसरी एक राइडिंग आती है जब हम इमरान मियां और हिफ्जा मूसा की लिए आते हैं मिसिसागा एमएलए में, तो 3000 को टच करते हैं। ये इतनी गहमा गहमी, इतना जोश और जज्बा जो है, इज इट नॉर्मल या समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी गया यहाँ पर? आई थिंक पीपल सी द नीड ऑफ इट, और फिर कैंडिडेट्स की मेहनत और उनके टीम्स की मेहनत इसमें उसका कंट्रीब्यूशन, दीज आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दोनों मेरी नज़र में। थोड़ा सा तल्ख सवाल भी करूँगा, चूंकि आप पॉलिटिशियन है, जवाब मुझे पता है आप बिल्कुल ठीक देंगे, क्योंकि दूसरी तरफ मैंने इब्राहिम दानियाल की जो नॉमिनेशन देखी वो टोटल 700 वोट पड़ा वहाँ पे, तो वो कम वोट था और इतना, लेकिन ये दोनों जगह पे बहुत बड़ा था। इस नॉमिनेशन के प्रोसेस में कम से कम एक राइडिंग ऐसी है मिसिसागा एरन मिल्स की, जहाँ पर एक टू एन एक्सटेंट कम्युनिटी में तफरका भी नजर आया, नेगेटिव कैंपेन भी चली और आपस में मसाइल भी पैदा हुए। आप क्या समझते हैं कि हमें फायदा तो हो रहा है कि हम लोग वाइब्रेंट हो रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, कि दूसरी तरफ नुकसान तो नहीं हो रहा? सर, इसमें मेरे हिसाब से कम्युनिटी निकली है, उन्होंने कैंडिडेट्स को सपोर्ट किया है, दोनों तरफ से टीमें उन्होंने एक दूसरे के लिए बढ़ चढ़ के काम किया है, तो मेरा ख्याल है कि इट्स थोड़ा सा टाइम लगता है अब्जॉर्ब करने में कुछ चीज़ों को, लेकिन यह कि मूविंग फॉरवर्ड ये होता है। इस तरह ब्रैम्पटन में पिछली मरतबा नॉमिनेशंस हुई, बहुत झगड़े हुए, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कि वर्ड ब्लेस्ड कि वो स्मूथ प्रोसेस और बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड रहा है। जिस दिन वोटिंग हुई है दोनों कैंडिडेट टीम बहुत ही, हाँ, तो वो इतना वो नहीं था, झगड़े भी हो जाते हैं, काफ़ी सारे मतलब वो ब्लेम गेम्स भी चल जाती हैं, वर्स देन यहाँ कुछ भी नहीं हुआ मेरे हिसाब से। सो आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम मूविंग फॉरवर्ड। आई थिंक इट्स जब वंस यू बिकम अ कैंडिडेट, और किसी ने भी अगर पॉलिटिकल कैरियर में अगर रहना होता है तो उनको आगे मूव फॉरवर्ड करना होता है। इफ यू स्टे विद द सिस्टम, प्लेटफॉर्म पे रहे तो यू हैव अ फ्यूचर। अगर आप उस चीज को लेके बैठ जाएंगे तो देन मेरे हिसाब से अगर मैं हूं तो मैं तो मूव फॉरवर्ड करूं, क्योंकि क्योंकि देखें दो कैंडिडेट हैं, चार कैंडिडेट हैं, छह कैंडिडेट हैं, एक ने विन करना है, और ये लिबरल फैमिली में से एक ही कैंडिडेट आप पिक कर रहे होते हैं, और मेजॉरिटी प्रिवेल्स। जब एक बंदे को लोगों ने, मेंबरशिप ने नॉमिनेट कर दिया है, तो उसके बाद फिर सबको ऑन बोर्ड होके उसके पीछे खड़ा होना चाहिए, और दिस इज और दैट्स वेयर यू शो योर लीडरशिप। अगर आप नहीं कर पाते तो देन मेरा ख्याल है कि फ्यूचर मेरे हिसाब से नहीं पॉजिटिव रहता, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने इन चीज़ों को अदरवाइज लिया और फिर वो नहीं मतलब रहे सिस्टम का हिस्सा, सिस्टम में दे। एक हमारे लोगों पर जो सिस्टम में आगे रहे, मैं 3-4 नाम ले लेता हूँ, एंड आई एम ओपन टू से दोज नेम। वाजिद खान साहब से शुरू होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, पहले पाकिस्तानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, डॉक्टर शफी कादरी, खालिद उस्मान, और ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत पहले जाके कोई ना कोई सीट ले ली। लेकिन सबके ऊपर एक मुश्तरक इल्जाम किया था कि इन्होंने कुछ सेकंड टीयर ऑफ लीडरशिप क्रिएट नहीं की। आप क्या कह रहे हैं? देखिए, मेरा तो ये ख्याल है कि हमारी जो पॉलिटिक्स है या कुछ भी हमारे जो सिलसिले हैं वो फ्लॉप क्यों हो रहे हैं कि हम शख्सियात पे जो है ना अपनी सारी चीज़ें बिल्ड कर लेते हैं। मेरी अपनी जो ओपिनियन है, जो मेरी विजन है कि हमें इस सिस्टम में रहते हुए यूथ को प्रिपेयर करना चाहिए, दूसरे लीडर तैयार करने चाहिए। अगर मैं आज फॉर एग्जांपल जिंदगी का पता नहीं है, इफ़ यू आर नॉट देयर, डू यू हैव समवन टू रिप्लेस यू? तो हमें, चूंकि हम करते यही हैं कि ये फाउंडेशन हम बना रहे हैं अपनी नेक्स्ट फिर जनरेशन के लिए, तो हमें ये करना चाहिए, हर एक को करना चाहिए कि टीम में से लीडरशिप होनी चाहिए ऐसी जो फ्यूचर में ये चीज़ें आगे लेके चल सके।
تو خالد صاحب خالد عثمان صاحب چونکہ وہ آئی مین ہی ہیز ڈن ٹریمنڈس ورک کمیونٹی ورک فنڈ ریزر ان کے سی وی دیکھ لیں کہ اٹس امیزنگ میونسپل میں انہوں نے بڑا ایک وہاں پر ایسٹ اینڈ میں جب بیٹھ کے انہوں نے کاؤنسلرشپ کی اور پھر جو بھی مطلب انہوں نے انیشیٹو لیے تو انہوں نے اپنا ایک مقام بنایا ہے اور انہوں نے لوگوں کو ساتھ ملایا بھی ہے اب بات یہ ہوتی ہے کہ کہیں پہ کوئی اپرچونیٹی ارائز ہوتی ہے تو وہاں سے کوئی نہ کوئی لیڈرشپ نکل آتی ہے تو وہ اس کے لیے میرا خیال ہے کہ دے ٹائم از ناٹ آن دیئر سائڈ لیکن ڈاؤن دا روڈ میرا خیال ہے کہ ظاہر اتنی بڑی ٹیم ہے کوئی نہ کوئی لیڈرشپ فیوچر میں نکلے گی رہتی ہے اس بات کی بے تحاشا ضرورت ہے کہ جتنے عرصے پہلے یہ لوگ آ گئے تھے اس پورے نظام میں تھوڑا سا اس طرح توجہ دی جاتی تو شاید ہم کچھ سر ہمارے ساتھ مسائل پتہ کیا ہے کہ دیکھیں جو پولیٹیشین ہے نا وہ اپنا ٹائم دے رہا ہے اپنا فیملی کا ٹائم دے رہا ہے اس کو کہیں سے انکم نہیں اس نے کام بھی کرنا ہے گھر بھی چلانا ہے تو ہم ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ایک پولیٹیشین کرے گا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے ان مائی اوپینین ہم سب کی ذمہ داری ہے آپ کا ایک تھنک ٹینک ہو سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ ہم اگلے 15-20 سال میں ہم اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہ رہے ہیں تو پھر اس میں آپ یو بیکم آرمز یو بیکم سپورٹ اور پھر آپ جو ہے نا یہ چیزیں کیونکہ جب انہوں نے پولیٹکس شروع کی تھی تو اس وقت تو بڑا مشکل تھا ابھی تو سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ بہت آگے کافی چیزیں جو ہے نا وہ ہو گئی ہیں وائبرنٹ لیکن انہوں نے جب سے یہ جرنی شروع کیا تھا اٹ واز ویری ٹف ٹائم تو آئی اپریشیٹ دیم کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا آئی تھنک اٹس دے ڈیزرو پکے پولیٹیشن ہو چکے ہیں نہیں اٹس اٹس آئی ایم بینگ آنیسٹ آنیسٹلی وہ کوالٹیز جو ایک پولیٹیشن میں ہونی چاہیے وہ شفقت علی میں موجود ہیں ہارڈ ورکنگ ہے مڈل کلاس فیملی سے آئے گراس روٹ لیول پہ کام کیا اینڈ آئی ایم پازیٹیو کہ آنے والے دنوں میں یہ ممبر آف پروینشل پارلیمنٹ کے طور پہ مجھے انٹرویو دے رہے ہوں گے لیکن اس حوالے سے کچھ باتیں کرنی ہے ول گو فور اے کوئی کمرشل بریک واپس آتے ہیں تو می اینڈ شفقت علی چاکلیٹ چپ کوکی علی صرف کوکی دوں گا چاکلیٹ چپ نہیں دوں گا اس میں تو بہت سارے چاکلیٹ چپ ہیں ایک سیکنڈ دیتا ابھی بھی بہت ہیں اب علی بےچارا کیا کرے جب نہیں بسکولی چاکلیٹ چپ کوکی میں ہے بہت زیادہ چاکلیٹ چپس اوپر بھی چاکلیٹ اندر بھی چاکلیٹ آپ کی کوکی بسکولی چاکلیٹ چپ کوکیز بہت بہت پاکستانی ڈیزائنر لیبلز وی کیری آر سینی کے اغانور سنا سفیناز انا سبرا زینب چٹانی وہاج خان فاطمہ خان اینڈ مینی مور Parahan, sheer elegance. We believe in quality service and best price. You can contact 9075 Derry Road West, Unit Number 1, Milton, Ontario. $60, ma'am. جب عشق حد سے بڑھ جائے تو تمام خواہشیں مل کر صرف ایک خواہش بن جاتی ہیں اور بے چین دل ہر پل ہر لمحہ روتا ہے دیدار کو ترستا ہے
हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी मैम, आपके उम्र के कागजात वगैरह तैयार हैं, प्लीज पेमेंट करके ले जाएं। ओके थैंक यू। और यही मोमिन का दिल अगर किसी की आंख में आंसू देखे तो सब कुछ भुलाकर सिर्फ अदा करता है। उम्र के बुलावे के लिए कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, नेक नियत और रहम दिल ही काफी है, बाकी हम पर छोड़ दें। अलबरका ट्रेवल, नहायत मुनासिब उम्र पैकेजेस के साथ। 905-232-6566। This is the world of internet. You have everything on your computer and mobile screen. If you wish to promote your business through internet, specially to perfect target market, then you have just one reliable name, NJ Marketing, offering various marketing solutions like social media marketing, telemarketing, email marketing, search engine optimization, graphic designing, web designing and development, and mobile application development. So call now at 647-824-1485 or email at njmarketing15@gmail.com or log on to njmarketing.ca. मैं हूं जहांगीर खान, स्क्वाश कोर्ट का चैंपियन, लेकिन रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट का चैंपियन मोहम्मद कामरान हुसैन, मुझे उन पर यकीन है, आप भी करके देखिए। जहांगीर खान और हजारों क्लाइंट्स का चहेता मोहम्मद कामरान हुसैन, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज और इन्वेस्टमेंट्स दोनों के लिए ही सही मशवरा, सही फैसला। मकान जिसे आप अपना घर कहने में फख्र महसूस करेंगे। मोहम्मद कामरान हुसैन, 416-318-5264। चॉकलेट चिप कुकी अली, सिर्फ कुकी दूंगा, चॉकलेट चिप नहीं दूंगा। इसमें तो बहुत सारे चॉकलेट चिप हैं। एक सेकंड देता हूँ, अभी भी बहुत है। अब अली बेचारा क्या करे, जब नए बिस्कॉली चॉकलेट चिप कुकी में है बहुत ज्यादा चॉकलेट चिप्स, ऊपर भी चॉकलेट, अंदर भी चॉकलेट। आपकी कुकी बिस्कॉली चॉकलेट चिप कुकीज, बहुत 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 चॉकलेटी, हर खुशी बिस्कॉली। वेलकम बैक। हमारी बातचीत हो रही है शफकत अली साहब से, जो कि लिबरल पार्टी की तरफ से नॉमिनेशन कैंडिडेट है फॉर एमपीपी पोजीशन फॉर मिसिसागा सेंटर। मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि हमेशा उन लोगों को किसी भी शोबे में आगे जाना चाहिए जो हमेशा उसकी ग्रास रूट लेवल पे काम करके निकले हों। अगर आप एकदम ऊपर आने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास वो ट्रेनिंग नहीं होगी, वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं होगी, वो नॉलेज नहीं होगी, वो स्किल नहीं होगी क्योंकि रिक्वायर्ड है फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। एंड इट इज नॉट ओनली फॉर द एमपीपी पोजीशन, वी आर टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। शफकत अली के बारे में, क्योंकि मेरा उनके साथ एक बहुत पर्सनल रिलेशन रहा है और मैं विटनेस हूँ उनकी उस तमाम मेहनत का जो उन्होंने यहाँ की पॉलिटिक्स में पाकिस्तानी ऑफ कैनेडियन ओरिजिन्स को, कैनेडियंस ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन को आगे लाने के लिए किया है। बेइंतहा मेहनत की, छोटे छोटे इवेंट किए, कभी मेयर को बुलाया, कभी काउंसलर को बुलाया, कभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बुलाया, अपने लोगों को बुला के उनकी मीटिंग्स की। तो ये अमल जारी रखा फॉर मैनी ईयर्स, एक दो तीन नहीं, 15-17 साल। और लिहाजा अगर आज वो कैंडिडेट बनने आया तो देन ही इज द डिजर्विंग कैंडिडेट, एंड आई थिंक द एप्रोप्रिएट वर्ड शुड बी दैट ही इज द राइट कैंडिडेट। तो इसलिए मैं राइट कैंडिडेट से कुछ राइट से सवाल करते हैं। राजन, आपने पहले एक जमाने में आपने सोचा कि आप फेडरल पॉलिटिक्स की तरफ जाएंगे, लेकिन नेचुरली पार्टी की तरफ से आपको कहा गया तो अब आप प्रोविंशियल में आए। हम आपके हल्के की तरफ आ जाते हैं। अब एक कैंडिडेट के लिए, शफकत अली को छोड़ दें, एक किसी भी कैंडिडेट को एमपीपी पोजीशन पे जाने के लिए उसके अंदर जो क्वालिटीज होनी चाहिए, वो उसकी चार कोई बेसिक क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? देखिये, एमपीपी ने करना क्या है बेसिकली,
उसने जो आपके कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनके जो इश्यूज हैं प्रोविंशियल लेवल पे जो इश्यूज हैं उनको आपको एड्रेस करना है बेसिकली. तो वो जो कैंडिडेट है उसको पता है कि वो इश्यूज क्या हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, आर दे प्रोविंशियल इश्यूज, और उसको इश्यूज को किस तरह से वो आगे लेके चल सकता है, कैसे करेगा वो, ठीक है, और उनको रिजॉल्व कैसे कर सकता है और उनको एड्रेस कैसे करवा सकता है, ठीक है. इसमें काफी सारी चीजें हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल के आपको इश्यूज का पता होना चाहिए, लाइक बीइंग लिविंग इन दैट राइडिंग फॉर लास्ट 18 इयर्स. मेरा ख्याल है कि कोई इलेक्शन ऐसा नहीं है कि जिसमें डोर नाक ना की हो, वेदर इज प्रोविंशियल, वेदर इज म्यूनिसिपल, वेदर इज फेडरल. तो जब आप डोर पे जाते हैं तो आप लोगों से पूछते हैं कि दायरे आप कन्विंसिंग के लिए जाते हैं, पीपल टेल यू देयर कंसर्न्स. तो आपको अगर वो कंसर्न ओवर द पीरियड आपको पता है, फिर आप वो कंसर्न लेके अपने जो रैप हैं उनको आप फीडबैक देते हो कि हमारे लोगों के ये मसाइल हैं, इस पे काम नहीं हुआ, इस पे काम होना चाहिए, ये चीज सही नहीं हो रही, वो हो रही. तो पॉजिटिवली यू टेक इट अप टू द टॉप लीडरशिप. आपकी रिलेशनशिप कैसी है लीडरशिप के साथ, वोटर्स के साथ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, और लीडरशिप के साथ भी. और फिर जो आपके दूसरे काउंटर पार्ट हैं, फॉर एग्जांपल म्यूनिसिपल हैं, आपके आपके काउंसलर हैं, आपकी मेयर हैं, आपके फेडरल काउंटर पार्ट हैं, उनके साथ आपकी रिलेशनशिप कैसे है. तो मेरे साथ अगेन मैं वुड से कि ब्लेसिंग ये है कि मैंने म्यूनिसिपल भी, आई हैव अ वेरी गुड रिलेशन म्यूनिसिपल लीडरशिप के साथ, और आई हैव अ वेरी गुड रिलेशन इन फेडरल लीडरशिप के साथ. तो ये जो रिलेशनशिप बिल्ड हुई है ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पिछले को 18 साल में ऑनेस्टली काम करके, क्योंकि मुझे ये है कि अल्लाह की तरफ से ये है कि मैं जो भी काम करता हूँ आई पुट माय सोल इन इट, अपने दिल और जान से कोशिश करता हूँ कि ये काम हो जाए, बाकी तो अल्लाह के हाथ में होता है जो भी काम करना. तो उसमें ये चीजें कि बीइंग लिविंग इन दैट राइडिंग, नोइंग द इश्यूज एंड उसको कहाँ लेके जाना और कैसे रिजॉल्व कराना है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, और आपके दूसरों के साथ रिलेशनशिप कैसी है ये मैटर करती है. अच्छा, अब ये बताएं कि आप ये जो मिसिसागा सेंटर की राइडिंग है इसका सिलेक्शन कैसे हुआ? एक तो यह कि आप वहां रहते हैं, ये आपने इस हवाले से उसकी बाउंड्रीज बताइए कि कहाँ कहाँ से उसकी बाउंड्रीज शुरू होती है जिसको ये नई राइडिंग भी बनी है. ये नई राइडिंग इस तरह बनी है कि मिसिसागा में पहले 5 राइडिंग थी, पिछले फेडरल इलेक्शन में 6 राइडिंग हुई. उसमें यहाँ ये जो राइडिंग बनी थी ये 4 हलकों से निकल के बनी थी. चार राइडिंग से. अच्छा, क्योंकि होता क्या है कि जब आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो उस बेस पे रीबाउंड्रीज होती हैं हर राइडिंग की. जैसे मिसिसागा एरंडेल थी उसकी अबाउट 21% जो पॉपुलेशन थी वो इसमें आई. जो मिसिसागा कुक्सविल है उसकी अराउंड 30%+ पॉपुलेशन वो इसमें आई. जो मिसिसागा माल्टन है राइडिंग उसमें से को अबाउट 11% पॉपुलेशन वो इसमें आई. स्ट्रीट्सविल की 7.9% वो पॉपुलेशन वो आई इसमें. तो ये नई राइडिंग क्रिएट हो गई. बाकी राइडिंग्स का उन्होंने थोड़ा सा नाम, जैसे एरंडेल की बजाय एरन मिल्स रख दिया, बाकी थोड़ा सा उन्होंने वो नाम चेंज किया, लेकिन वो राइडिंग्स वो ही रही. तो ये राइडिंग मुझे मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से बीइंग फेयर, अगर एक नई राइडिंग बनती है तो वहाँ पे ओपन नॉमिनेशन होनी चाहिए, लोगों को मौका दिया जाना चाहिए कि वो अपना कैंडिडेट खुद चूज करें, और जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है. और इस होप के साथ पिछले दिसंबर में 2016 दिसंबर से मैंने आई स्टार्टेड डूइंग मेंबरशिप, साइनिंग अप मेंबरशिप, 15 महीने से मैं मुसलसल इस होप के साथ कि ये राइडिंग खुलेगी, ये नई राइडिंग है और इसमें वो शुड बी रेडी फॉर दैट. बाउंड्रीज क्या होंगी इसकी? इसमें बाउंड्री थोड़ी सी, क्योंकि ये स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर वन तो इसमें है ही है लेकिन स्क्वायर नहीं है, थोड़ी हार्ड है. तो इसकी जो साउथ बाउंड्री है वो डंडास है बिटवीन मेविस एंड क्रेडिट रिवर, ठीक है. जो इसकी वेस्ट बाउंड्री है बिटवीन डंडास एंड एग्लिंटन वो क्रेडिट रिवर है, ठीक है, उसकी ईस्ट साइड. अच्छा, फिर ये दूसरी इसकी जो वेस्ट बाउंड्री बनती है वो बिटवीन एग्लिंटन एंड ब्रिस्टल क्रेडिट व्यू. अच्छा,
उसकी ईस्ट साइड, तो नॉर्थ में जो है वो ब्रिस्टल है. अच्छा. ब्रिस्टल, फिर फेयरविंड बिटवीन क्रेडिट व्यू एंड फेयरविंड, फिर ये ग्लिंटन पे आ जाती है, ग्लिंटन से फिर हाईवे 10 पे आ जाती है. हाँ, तो वो तो इस तरह ये कि स्क्वायर वन सारा है इसमें, सारा का सारा. और ब्रिस्टल की साउथ साइड ये इसमें है, और सेंट्रल पार्क वे जो है ना वो साउथ बाउंड्री बनती है मेवे से. अच्छा. तो ये इस तरह राइडिंग ओपन हो चुकी है फॉर नॉमिनेशन ऑफिशियली. जी ऑफिशियली तो जब अनाउंस करते हैं तब होती है. लेकिन इस वक्त यहाँ से कहा जाए तो इनकम्बेंट जो है वो इंदु ठक्कर साहब होंगे. इनकम्बेंट तो है नहीं उसमें, क्योंकि ये नई राइडिंग है. नई राइडिंग है, इनकम्बेंट पता नहीं चला था ठक्कर साहब किधर जा रहे. नहीं नहीं, ठक्कर साहब ने बल्कि वो बदर साहब ने एक इंटरव्यू किया था 18 तारीख को वहां पर नॉमिनेशन में. अच्छा. उनके टीवी शो पे उन्होंने कहा है कि ही इज नॉट रनिंग. तो ओपन नॉमिनेशन. जी जी. तो फिर तो ये राइडिंग ओपन होगी. इट इज ओपन नॉमिनेशन. तो मैं कितने कैंडिडेट इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर? इस वक्त जो जो एज फार एज आई नो, मैं आई बीन ग्रीन लिट अप्रूव्ड कैंडिडेट फॉर नॉमिनेशन, और एक और कैंडिडेट है, दो का मुझे पता है. लेकिन एक्चुअल जो जब नॉमिनेशन कॉल होती है देन यू वुड नो कि कितने कैंडिडेट हैं. क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नॉमिनेशन कब होगी ये? देखें जी, ये अप्रैल है. This is the only month you have. जून में तो इलेक्शन है. मई के फर्स्ट वीक में रेड ड्रॉप हो जानी है. तो ऑफिशियल कैंपेन, तो इन माई ओपिनियन अप्रैल इज द ओनली मंथ, और उसमें टाइम जो है ना वो ज़्यादा नहीं मिलेगा. नॉर्मली क्या होता था कि वो आपको एक वीक दे देते हैं कि वो आप फॉर्म्स वगैरह सबमिट कर लें, फिर आपको टू वीक्स दे देते हैं नॉमिनेशन की प्रिपरेशन के लिए. इसमें अगर एक वीक पूरा मिल जाए तो विल बी लकी. दिनों की बात होगी. एग्जैक्टली. मेरा ख्याल है कोई एक आधा दिन, एक दो दिन मिल जाएंगे फॉर्म ड्रॉप करने में. यार ये बताएं कि वाई, अगर एक आम वोटर है, सवाल आपसे अजीब सा लगता है, वाई पीपल वोट शफकत अली? बिकॉज शफकत अली लिव्स इन दैट राइडिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज वर्कड इन दैट राइडिंग फ्रॉम लास्ट 18 ईयर्स. शफकत अली नोज द इश्यू. Shafqat Ali is one of them. Okay, he's the first grassroots person. After working 18 years in the politics as a volunteer seeking this nomination, Shafqat Ali is the best person to know, to understand your issues. And Shafqat Ali is the best person to take your issues on the next level. And Shafqat Ali is the best person who could be your voice in legislation. कहा जाता है और हमने देखा भी है, नॉमिनेशन हमेशा अपनी कम्युनिटी के सर पे लड़ी जाती है, बाद में फिर आप पार्टी का झंडा पकड़ लेते हैं. तो नेचुरली आपको भी अपनी कम्युनिटी साथ चाहिए. कम्युनिटी आपके साथ है, उसने हमेशा आपके लिए वो फंडिंग भी की है, मेंबर भी बने, सब कुछ किया. मैं विटनेस उन चीज़ों का. क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस दफ़ा अपनी कम्युनिटी से कि व्हाट शुड दे डू टू हेल्प यू आउट टू सीक दिस नॉमिनेशन? देखिए, टू मी मिसिसागा सेंटर इज माई कम्युनिटी. हमारी जो मतलब जो लोग दोस्त हैं, फैमिली है, हमारी कम्युनिटी है, पर्टिकुलरली मैं कहता हूँ कि ये बैकबोन है. जैसे सारे कैनेडियंस जिस्म और आपकी एक बैकबोन होती है, तो दिस इज योर बैकबोन. तो ऑब्वियसली बैकबोन आपकी स्ट्रांग होती है तो आपकी पूरी बॉडी स्ट्रांग होती है. तो मेरे साथ जैसे मैंने कैरोलिन पेरिस के साथ काम किया, या ठक्कर साहब के साथ काम किया, उमर अलगबरा के साथ काम किया, इकरा के साथ काम किया, नैवदी बीन साहब के साथ काम किया, तो मुझे आई हैव अ ब्लेसिंग कि सारी कम्युनिटीज़ देर आर सपोर्टिंग मी ऑन बोर्ड. तो मुझे अपने दोस्तों से और अपनी कम्युनिटी से ये रिक्वेस्ट है कि इसमें जितना ज़्यादा आप मेंबरशिप साइन अप कर सकते हैं, मेंबरशिप इज़ अ की फॉर द नॉमिनेशन. आपके पास मेंबरशिप नहीं है और वो लोग नहीं आ रहे वोट डालने के लिए, तो इट मींस नथिंग. सो मेंबरशिप साइन अप करना इज़ अ की, और फिर वो मेंबर्स को आके वोट डालना, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. और उसमें है ये कि कोई भी 14 साल और उससे ऊपर वाला
वो पार्टी का मेंबर बन सकता है, चाहे वो सिटीजन हो या परमानेंट का. एग्जैक्टली. तो वो बन सकता है और उसमें ये है कि आप जिस दिन डेट अनाउंस होगी उसमें आप आके वोट डालें. दैट वुड मैटर अ लॉट. क्योंकि अब हम चल रहे हैं कि कम्युनिटी कैसे हेल्प कर सकती है. एक तो मेंबर्स बनवाएं, नंबर वन. नंबर टू, वोटिंग करें वोट वाले दिन. व्हाट एल्स यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम पीपल टू हेल्प यू? इट्स बेसिकली इट्स अ लॉट ऑफ वर्क. वॉलंटियर्स, मैं इनकरेज करूंगा कि बच्चों को इन्वॉल्व करें, क्योंकि उनके लिए ये लर्निंग प्रोसेस है. आज अगर हम बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो वो उनको लर्निंग नहीं होगी. उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका हिस्सा बने, उनकी सोच डिवेलप होगी, उसी में से लीडरशिप निकलनी है. तो उसमें आपके ये बहुत सारे इसमें टास्क होते हैं. आप फोन कॉल करते हैं, आप डोर नॉक करते हैं, आप साइन लगाते हैं, आप जो है ना लोगों को रिसीव करते हैं वहाँ पर. आपने मतलब एक परसेप्शन के लिए वो, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू. तो उसमें बच्चों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं टू लर्न के हाउ द प्रोसेस रन. और जब वो इन्वॉल्व होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उनकी सोच डेवलप होती है और उसी में से आपकी लीडरशिप जो है ना वो निकले. उसी में से सर. अच्छा, मैंने नोट किया कि आपकी जो कैंपेन है या जब भी आपने काम किया, आप हमेशा यंगस्टर को साथ लेकर चलते हैं. वो मैं आपके घर के जो फंक्शन होते हैं, हम आते हैं तो यंगस्टर का ग्रुप बहुत एक्टिव होता है. इसकी क्या लॉजिक है इसके पीछे कि आप यंगस्टर को अपने साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे होते हैं? देखिए सर, मेरा तो ये है कि हम जो भी करते हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए करते हैं. जैसे मैं ये देखता हूँ कि आज हम जो कुछ भी चीज़ें इंजॉय कर रहे हैं, हमारे से पहले वाली जनरेशन ने इस पे काम किया. हम वो चीज़ें, वो सिस्टम बनाया, उसमें उन्होंने अपनी हार्डशिप देखी, चीज़ें डिवेलप की और हम बेनिफिट कर रहे हैं. मैं ये सोचता हूँ कि हम अपनी आने वाली जनरेशन के लिए क्या करके जा रहे हैं. तो अगर आप उनको नहीं ट्रेन करेंगे, अगर आप उनको नहीं इन्वॉल्व करेंगे, उनकी सोच डेवलप नहीं होगी, तो फिर हम सिस्टम का हिस्सा नहीं है. क्योंकि हम सारी चीज़ें, हर चीज़ हम जो है ना वो बेनिफिट लेते हैं, लेकिन जो पॉलिसीज़ बनती हैं, जाहिर है ये पॉलिटिशियंस ने बनाई हुई हैं. पुम्बा, ये लोगों ने सर जोड़ के बैठे हैं, इन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की हैं और अभी भी कर रहे हैं. तो उसमें हमारी पार्टिसिपेशन जो है ना वो ज़्यादा होनी चाहिए. बिकॉज वर कनेडियन, वर ओंटेरियन, वर मिसिसागन, तो ये हमारा मुल्क है, इसी में हमारा फ्यूचर है, इसी में हमारे बच्चों का फ्यूचर है. तो उनको इसका हिस्सा बनना चाहिए, वो नज़र आना चाहिए. बेसिकली चांसेस, इलेक्शन होने जा रहा है, नॉमिनेशन का इलेक्शन है, लिबरल पार्टी के वोट होंगे, लिबरल पार्टी के कैंडिडेट होंगे, लिबरल पार्टी के सपोर्टर होंगे, कहाँ देखते हैं अपनी प्रिपरेशन के हवाले से अपने आप को? हाउ रियलिस्टिकली और ऑप्टिमिस्टिकली वेयर इज शफकत अली स्टैंडिंग? देखिए, इसमें आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट अल्हम्दुलिल्लाह, बट अंटिल यू हियर द रिजल्ट यू शुड नेवर फील कॉन्फिडेंट. एग्जैक्टली. आपका काम क्या है कि होप एंड हार्ड वर्क, इस यकीन के साथ. जब हमने ये कैंपेन शुरू की थी तो इट वाज, हमें नहीं पता था कि ये राइडिंग ओपन होगी कि नहीं होगी. एग्जैक्टली. तो दिस वाज जस्ट अ होप इट माइट ओपन, और उस होप के साथ आपने काम करना शुरू कर दिया. इट वाज नॉट इजी कि लोगों के पास जाके उनको कहना कि यार पता नहीं ये राइडिंग मे बी खुल जाए, आप साइन अप कर दें. तो लोगों ने किया, बट इफ यू डिडंट स्टार्ट इट, पीपल वुड नॉट कम ऑन बोर्ड. तो इसमें हार्ड वर्क जो है ना, दैट इज अ की, कि आप होप के साथ, के होप एंड यकीन के साथ कि वी विल विन, लेकिन इफ वी डोंट पुट आवर हार्ड वर्क, देन वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर. इसका मतलब ये कि आने वाले चंद दिनों में हो सकता है अनाउंसमेंट हो जाए. डेफिनेटली. नॉमिनेशन कब हो रही है? जी. और यकीन आप तैयार है, लेकिन सपोर्ट एंड हार्ड वर्क इज स्टिल रिक्वायर्ड. क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि परसेप्शन जब बनने लगती थी कि यार ये बंदे ने वो इतनी मेंबरशिप कर ली है, ये स्ट्रांग है, ये जीत जाएगा, दैट इज अ डेंजरस थिंग टू डू. हमने उमर का इलेक्शन लूज किया था 240 वोटों से. इसलिए मुझे याद है कि पीपल वो हो गए थे कि यार ये तो मेरे वोट से क्या फर्क पड़ता है. It does make a difference. अगर every person start thinking that कि यार मेरी membership से क्या फर्क पड़ता है, इसमें तो जीत ही जाना है. और ये जो जब सोच develop होती है तो वो बहुत dangerous होती है. तो इसलिए until you hear the result, you keep knocking the door, keep calling people and keep signing a membership until the day is cut off date is announced. सगर भाई, कैमरा आपके सामने
और यकीनन आपको इस प्रोग्राम को दुनिया भर में बहुत जगहों पर देखा जा रहा होता है, लेकिन फोकस हमारा चूंकि कनाडा है, फोकस हमारा ओंटेरियो टोरंटो है, फोकस हमारा मिसिसागा है। तो मैं चाहूँगा कि अपना मैसेज दीजिए उन लोगों को जो आपकी राइडिंग में रहते हैं, वो लोग जो आपके मेंबर हैं या मेंबर बनने जा रहे हैं, और उनसे बताइए व्हाई दे शुड बिकम योर मेंबर एंड हाउ दे कैन कम वोट टू हेल्प यू। दिस इज योर कैमरा। थैंक यू शेख साहब फॉर द अपॉर्चुनिटी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मैं मिसिसागा सेंटर में पिछले 18 साल से रह रहा हूँ, फैमिली को रेज कर रहा हूँ, और पिछले 18 साल से आई बीन इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स ऑन ऑल लेवल मिसिसागा सेंटर से। आई नो योर इश्यूज़, आई एम ए ग्रास रूट लेवल पर्सन एंड आई नो इश्यूज़ एंड आई नो हाउ टू गेट योर इश्यूज़ टू द लीडरशिप and how to get them resolved. I am your voice and I need your help. Help me to become candidate of Provincial Liberal Party from Mississauga Center. Thank you. Bahut bahut shukriya and I am very positive, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you for having me. I am very positive ke ek interview mera inshallah aur hoga. Jab nomination ki date announce ho jayegi to sabko tali se hum baat karenge aur wo किसी दिन भी हो सकता है जैसे ही नॉमिनेशन की डेट अनाउंस हो जाती है। जिस दिन नॉमिनेशन के इलेक्शन होंगे एनजे डिजिटल टेलीविजन एक दफ़ा फिर वहाँ मौजूद होगा अपनी पूरी टीम के साथ एंड वी विल कवर दैट इलेक्शन। हम आपको लमा व लमा उसकी रिपोर्ट दे रहे होंगे एंड आई एम वेरी पॉजिटिव दैट मी एंड ऑल माई व्यूवर विल बी द पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ हिज विक्ट्री। इट विल नॉट एंड हेयर, देन वी विल अगेन इंटरव्यू हिम राइट आफ्टर द सक्सेस इन जून 7 प्रोविंशियल इलेक्शन, और फिर वो मेरा जो इंटरव्यू है वो मेंबर ऑफ प्रोविंशियल पार्लियामेंट के साथ होगा। विद ऑल दीज होप एंड ऑल दीज प्रेयर्स, दिस इज योर होस्ट आरिफ शेख साइनिंग आउट विद दिस दुआ के अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।